स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया है और अपना मॉडल पेपर भी जारी किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 12th के केमिस्ट्री मॉडल पेपर को। दोस्तों आपको पता है कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपको 35 बनाने होंगे, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 बनाने होंगे और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 बनाने होंगे, यानी टोटल 48 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आपके ऑप्शन है आयनिक, सहसंयोजक, आण्विक या फिर धातुई। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक। सहसंयोजक यौगिक यानी कोवेलेंट कंपाउंड। दोस्तों कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, जैसे हीरा ग्रेफाइट, ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड हैं। आयनिक जो होंगे, आयनिक में आपका हो जाएगा ठोस I2, CO2, ये आपके आयनिक हो जाएंगे। और आण्विक अगर देखते हैं तो आण्विक में आपका NaCl हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक यौगिक। अगला सवाल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 12। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, क्योंकि जो BCC होते हैं यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं उनमें BCC में होता है 2, SCC में होता है 1 और FCC में होता है 4। तो अगला सवाल हमारा, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन या फिर ताप। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक उन्नयन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अनमन उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया या फिर ग्लूकोज। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। दोस्तों ये जो यूरिया और ग्लूकोज है ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, यानी NaCl का जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, अगला सवाल, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों सवाल कह रहा है कि NaCl का वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराया जाता है तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। जो कैथोड होता है, कैथोड जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, और एनोड जो होता है, एनोड वो होता है नेगेटिव। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव +0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव है, आपके ऑप्शन है 2 × 0.76 वोल्ट, 0.76/2 वोल्ट, -0.76 वोल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, -0.76 वोल्ट। अगला सवाल, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यह आपका चीनी का सूत्र है C12S22O11। इससे जब बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो अभिक्रिया है किससे दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शन है द्वितीय कोटि की, एक अनुक, छदम प्रथम कोटि की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, छदम प्रथम कोटि की, यानी सेडो फर्स्ट ऑर्डर। अगला सवाल, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है? आपको दिया गया है वेग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, तो पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि होगी, आपके ऑप्शन है 2, 3, 1 या फिर 0। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। जब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, R=A^2 है तो 2 और B^1 है तो +1, ये आपका हो जाएगा 3। अगला सवाल,
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। आपके ऑप्शन है अपोहन, टिंडल प्रभाव, पायस या फिर वैद्युत कण संचलन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत कण संचलन। अगला सवाल, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपके ऑप्शन है अयस्क, खनिज, धातुमल या फिर गैंग। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अयस्क। अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, और जो भी जमीन के नीचे से हम जो खोद के निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। धातुमल जो इसमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, और गैंग भी वही अशुद्धियाँ ही होती हैं, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में आपको दो क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। आपके ऑप्शन है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर या फिर एल्युमिनियम। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। दोस्तों साइनाइड विधि जिसे हम जल धातु क्रम विधि भी कहते हैं, जल धातु क्रम विधि, ठीक है, इससे हम सिल्वर यानी Ag और Au यानी गोल्ड को प्राप्त करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। आपके ऑप्शन है NH3, H2O, HCl या फिर HF। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, HCl, क्योंकि हाइड्रोजन बंध तभी बनता है जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरिन हो, तभी बनता है। अगला सवाल, सल्फर 8 में यानी S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है +2, +8, +4 या फिर 0। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला सवाल, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। आपके ऑप्शन है HCl, HF, HBr या फिर HI। तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, HI। दोस्तों HI जो है वो प्रबल अम्ल इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच जो बंधन बनता है वो बहुत लंबा बनता है और ये जल में आसानी से H+ आयन दे देता है। दोस्तों अगर हम इन यौगिकों में बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम में इनको सजाएं तो सबसे पहले आपका होगा HI, फिर आपका होगा HBr, फिर आपका होगा HCl और उसके बाद आएगा आपका HF। अगला सवाल, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिप्टन या फिर नियॉन ऑक्सीजन क्रिप्टन या हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर क्रिप्टन ऑक्सीजन या नियॉन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि दोस्तों ये बहुत हल्के गैस भी होते हैं जो आसानी से नीचे ले जाए जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। आपके ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक। दोस्तों आवर्त सारणी जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आवर्त सारणी कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन हो जाता है, इधर हीलियम हो गया, यहाँ से ये जो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व, और ये डी ब्लॉक होता है, आपका ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, और जो नीचे दो लाइनें होती हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को वो एफ ब्लॉक होती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। अगला सवाल, लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। तो आपके आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ZR यानी जिरकोनियम तथा HF यानी हैफियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। आपके ऑप्शन है CO2+, Ni2+, Cu2+ या फिर Zn2+। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, Zn2+ यानी Zn आयन। अगला सवाल, जटिल आयन CuNH3O4+ आयन की संरचना वर्गतलीय है। अगला सवाल, जटिल आयन CuNH3O4
का 2 प्लस की संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल आयन में Cu2 प्लस का प्रसंकरण है। आपके ऑप्शन है sp3, sp3d2, dsp2 या फिर dsp3। आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी dsp2। अगला सवाल, pt(C2H4) Cl3 और माइनस में Pt का ऑक्सीकरण संख्या है। आपके ऑप्शन है +1, +2, +3 या फिर +4। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी +2। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए चलो मान लेते हैं कि Pt का ऑक्सीकरण संख्या x है और यहाँ पे ये C2H4 के लिए नहीं होगा कुछ। Cl3 का जो होता है वो -1 होता है और यहाँ पे Cl3 है, क्लोरीन के 3 परमाणु है तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू, इसका जो है ये माइनस है तो इसके लिए -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x-3 = -1। तो यहाँ से जो x निकलेगा वो +2 हो जाएगा, 3 इधर आ गया प्लस में हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। अगला सवाल, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम। आपके ऑप्शन है 3-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन, 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 2-क्लोरो-ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन हो जाएगा आपका, 4 कार्बन होगा ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4 2-क्लोरो-ब्यूटेन है तो 2 नंबर पे आपका लग जाएगा क्लोरीन और बाकी जगह पे आपका लग जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर विधि या फिर उपरोक्त में सभी। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन या फिर मेथेन। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है आपका HC और 3 इसमें क्लोरीन लग जाता है, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला सवाल, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है एथिल एसीटेट, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन या फिर एसीटाल्डिहाइड। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट जो होता है, एसीटेट जो है वो एस्टर का होता है, COO होता है इसका क्रियाशील मूलक ठीक है। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाता है और ये CO बन जाता है तो CO होता है कीटोन का, तो ये आपका हो गया एसीटोन। अगला सवाल, एल्कोहल में कौन रहता है। आपके ऑप्शन है OH क्रियाशील मूलक, CO क्रियाशील मूलक, CHO क्रियाशील मूलक या फिर NH2 क्रियाशील मूलक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए OH क्रियाशील मूलक। एल्कोहल का होता है और CHO होता है आपका एल्डिहाइड का ठीक है, CO होता है कीटोन का और NH2 होता है एमीन का। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद पैदा करता है। आपके ऑप्शन है फेहलिंग विलियन, कॉस्टिक सोडा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए फेहलिंग विलियन। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अंत में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया है ठीक है। अगला सवाल, प्राइमरी एमीन के क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है ये सारे ठीक है। आपके ऑप्शन है NH, NH2, NH3 या फिर NH3 प्लस आयन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी NH2, ये एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। अगला सवाल, तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फेंटोन अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, वेयर अभिकर्मक या फिर तोलन अभिकर्मक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी वेयर अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिनोल को जस्ता के चून के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन या फिर जिंक फिनोक्साइड। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी बेंजीन बनता है। फेनॉल का सूत्र होता है C6
H6O जब इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो ये C6H6 बनता है और साथ में आपका जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अगला सवाल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? आपके ऑप्शन है CHO, CO, COOH या फिर OH। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अगला सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फतफताहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? आपके ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एसिटिकम या फिर एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, CH3COOH, इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं NaHCO3 से, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका CH3COONa और साथ में आपका निकलता है जल और CO2 गैस, यही CO2 गैस जो निकलता है जिसकी वजह से फतफताहट होती है। अगला सवाल कह रहा है कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं आपको, देखिए ये इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है RCOR, R जो होता है एल्किल समूह होता है, ठीक है, RCOOR, RCOOH या RCHO। तो ईस्टर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी RCOOR, जो एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है वो COO होता है। दोस्तों अगला सवाल, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है? आपके ऑप्शन है सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अमीन या फिर क्वार्टरनरी लवण। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी अमीन। अगला सवाल, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वेनिन, एडिनिन तथा साइटोसिन। दोस्तों इस वीडियो में 35 ही क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन किया गया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बाकी के 35 आपको अगले वीडियो में दिए गए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का दो सवाल जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर एक, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि होती है? आपके ऑप्शन है शून्य, प्रथम, द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दो, अनुवक्ता का अधिकतम मान होता है? आपके ऑप्शन है 1, 3, 4 या फिर 6। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर आप इस, अगर आपको ये सवाल नहीं पता है तो आप इसे पूछ भी सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।